अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? सर बिल्कुल ठीक ठाक। आज का क्या एजेंडा है हमारा? आज हम ये करना चाह रहे हैं कि हमर के ऊपर इलेक्ट्रिक बाइक लेके जाना चाह रहे हैं और देखते हैं किसी कंजम्पशन ज्यादा अच्छी है। नहीं यार, वो रिजवान को उसकी बाइक देनी थी तो मैंने बड़े दिनों से हमर खड़ा था उसको, मैंने उस दिन कहा था कि ले ले आके, फिर मैंने कहा इतनी दूर वो बेचारा जो चल के आएगा डिफेंस से इधर या किस तरह पहुंचेगा, तो उसको दे ही आते हैं, तो इसलिए आज हमर निकाला है और उसको देख के आते हैं। दूसरा हमर का एक प्रोजेक्ट भी शुरू करने लगे भी हम, इसके अंदर ना स्क्रीनें स्क्रूने भी देखो, ये काम में सिर्फ एक स्क्रीन है, आगे एक और बैक कैमरा वाली, तो भी साइड का जो है ना वो कोई कैमरा शैमरा लगाने का सेटअप का भी प्लान है, तो हमने कहा वो निकालें इसको आज, वो देख के आए रिजवान मियाँ को उसका बाइक और फिर इसका कराते हैं स्क्रीन वगैरह काम। बिल्कुल सही, ये एजेंडा है आज का भी। बिल्कुल ठीक है, तो बनाए उसको हम कितने डिलीवर करने जा रहे हैं? यार उसके घर के बिल्कुल पास जाते हैं वहाँ पे उसको, बल्कि थोड़ा बहुत सिखा भी देते हैं, ये ना कि उस दिन कल जब हमने उसको दिखाई थी वैसे तो उस टाइम एक्साइटमेंट में था वो गिर गुर ना जाए। एक अक्सर कई लोगों ने बोला कि जी वीडियो के नीचे कि जी आपने उसको दे दी है बाइक और वो छोटा बच्चा है, ये वो उसी एज के लिए बनी हुई बाइक है बेसिकली, वो स्कूटर नहीं है, वो स्कूटी भी नहीं है, वो एक छोटी एक प्रोडक्ट है वो 10 से 15 साल के बच्चों के लिए बनाई गई है। स्पीड भी काफी लिमिटेड है और रेंज भी काफी लिमिटेड की स्पीड है, मतलब एक तरह से समझ लें कि वो मेन रोड से हटके अपनी जैसे ना वो साइकिल चलाता है वो साइकिल है। एग्जैक्टली, टांगों का जोर नहीं है, वो इलेक्ट्रिक मोटर का जोर लगेगा। हाँ वो बेचारा बहुत दूर से यार चल के वो गावे से चल के इधर आता है डीएचए में बुक्स बेचने, तो तकरीबन समझ लो घंटे का वॉक है, तो इतना सा बच्चा है वो बेचारा। अब जा रहे हैं उधर उसको देते हैं, थोड़ा देख भी लेंगे उसको आती है चलानी नहीं आती, थोड़ा सिखा देना आप, वैसे आपके वजन से शायद ना ही चले। हाँ एग्जैक्टली, मैंने चलाई थी एक, मैंने इमरान भाई को बैठा के चलाई थी सर, बट आपके वजन मेरे से काफी कम है। नहीं मैंने तो शुगल मिली थी इसलिए मैं उसको अपने वाली अब दे रहा हूँ, कि वहाँ पे जो खड़ी से कलर भी फर्क था, मेरे पास ब्लैक थी उसको ब्लैक चाहिए थी, तो ब्लैक दे रहा हूँ उसको। बिल्कुल ठीक है, तभी देखते हैं पहुँचते हैं बस उधर ही। आज हमें पता लग रहा है कि मोबाइल के बगैर लोग कैसे कोऑर्डिनेट करते थे, बिकॉज उस दिन हमने रिजवान से नंबर ले लिया था, वो उसकी वालदा का था, और जब मेरी उससे आधे पौना घंटे पहले बात हुई है तो उसने बोला कि जी मैं लम्स के बाहर आपको मिलता हूँ। अब हम लम्स के बाहर आ गए हुए हैं लेकिन रिजवान मियाँ कहीं नहीं है, मैंने उसकी वालदा को कॉल किया है, वो कह रही कि वो आधे घंटे से पौने घंटे से निकल चुका है घर से, अब देखते हैं दोबारा चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं लम्स के बाहर, और सारा जो स्कूलों की छुट्टी का रश है चेक करें कितना रश है, ओए ओए ओए। लम्स के अपने बाहर भी काफ़ी रश है लेकिन दोबारा देखते हैं शायद मिल जाए, दो चक्कर तो लगा चुके ऑलरेडी, तीसरा चक्कर जा रहा है, लम्स वाले कहेंगे पागल हो गया। कॉल आ गई उसके वालिद साहब की तरफ से आ गई, जी अस्सलाम वालेकुम, उसको बोले काले रंग की जी, मैं कल मैं देखता हूँ जी, मैं देखता हूँ, थैंक यू थैंक यू, लाइट पिंक मैं देख लेता जी, मैं देख लेता, ओके ओके। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि लाइट पिंक स्वेटर पहना हुआ है, कह रही उन्होंने लम्स के बाहर खड़े होकर किसी नंबर से कॉल किया मुझे, उसका गेट ये वो ही तो है। पिंक वो तो नहीं है? हाँ वो है, ये इसको पिंक कह रहे हैं तो ब्राउन लग रहा है मुझे, यही है यही है, उसको बैठा रहे हैं गाड़ी में बिठा लो। सो फाइनली रिजवान मियाँ हमें मिल गए, रिजवान मियाँ आपको हमें मिल नहीं रहे थे यार, हमने आपकी वालदा को फोन किया, उन्होंने कहा कि इसने पिंक रंग की जर्सी पहनी है, फिर हम दोबारा आए तो आप नजर आए, पहले आप नजर नहीं आ रहे थे। मैं पहले आपको दो दफा देखेगा पर मुझे लगा आप वही ब्लैक बियर्ड में आएंगे, इसलिए मैं आपको इधर से ढूंढ रहा हूं। इसको कहते हैं हमर, एक तो लेटी भी होती है, हमर लेटी भी, इसको हमर बोलते हैं, ये हमर जीप होती है, आपने इसका नाम याद नहीं किया आज आपको उसका याद करा के जाते हैं, इसमें होते हैं दो, एक होता है हमर पीछे से पूरी जीप जैसा उसको हमर एसयूवी बोलते हैं, ये पीछे से खुला होता है इसको हमर एसयूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसयूटी, सट, हमर सट, सट जो है स्पोर्ट यूटिलिटी ट्रक होता है, आपने जो नाम सीखे उनमें आगे ऐड कर लें इस नाम, ठीक है। अच्छा आपने उस दिन कहा कि गायब हो गए कह के बाइक का? अच्छा स्कूल गए थे आज? कितने क्लासेस में थे आज? आज दो ही पीरियड में। किसके चीज के? मैथ के और इंग्लिश का। मैथ अच्छी कि नहीं? मैम मुझे इतनी अच्छी नहीं आती। क्यों आती है पर इतनी अच्छी नहीं लगती? यार मैथ तो बड़े मजे की चीज है, क्लास आपने बताया था आप क्लास हो 3 में राइट? 4 में। 4 में मैथ्स में भी क्या सिखा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से तो आगे चले गए होंगे कि नहीं? जी क्या वो बड़े यानी कि आगे हैं मल्टीप्लाई के और अच्छा तफरीक के इनके बड़े सवाल। सही, तो मैथ्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं उर्दू में पढ़ाते हैं? उर्दू में। और इसके अलावा आज इंग्लिश की क्लास हुई थी जी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट है? हां इंग्लिश में मैं अपने बारे में इंग्लिश में भी बता लेती हूं। अच्छा बताएं। माय नेम इज रिजवान, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ बॉय, I am 10 year old. I live with my parents, grandparents, two brother and a two sister. Yes, good yaar, good. वाली में सीख ले आपकी आपकी तालीम हो जाएगी, मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगी। मैथ्स पढ़ना मैं पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स मेरा मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश नहीं भाई की अच्छी, मैथ्स अच्छा है मेरा।
मुझे इंग्लिश नहीं आती खास, वो नहीं मैं पढ़ा सकता, वो आपकी मेरे से अच्छी है। मैथ्स आपने पढ़ना तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकता हूँ भाई। अभी हम आपको पहले चला के उतार के आपकी स्कूटी देते हैं ना, फिर आप में चला के देखने की आपको चलानी आती भी है कि नहीं, नहीं तो फिर हम यहाँ तक वापस लेकर आ जाएंगे, रखे गाड़ी में, फिर आप वहाँ पे अंदर चला के लेना, ठीक है? वीडियो देखी आपने? नहीं देखी आपकी वीडियो आई है? देखी है अपने मामा लोगों ने, सुबह सुबह सोया हुआ था। अच्छा, मामा ने जब मैं स्कूल जाने वाला था पहले मामा ने लगा के बैठे हुए। कैसी लगी उन्हें? अच्छी लगी, अच्छी लगी। फुल फौजी बना था लड़का उसमें, स्कूल यूनिफॉर्म में है कि ऐसी जो मर्जी पहन के चले जाओ? यूनिफॉर्म में। अच्छा, अभी वैसे बाद में घूम पे रहा था तैयार होकर? सही 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 सही। मैंने फोन किया था पहले, आपके वालिद साहब ने उठाया था, फिर उन्होंने आपकी वालदा से बात करी मेरी, फिर उनका फोन आया कि उसने भी किसी नंबर से फोन किया, वो लम्स के बाहर ही है। मैंने कहा ये कैसे हो गया कि मैं दो दफा घूम के आया मुझे लड़का नजर नहीं आया। ये लगा, मैं पहले आपका झंडा देख रहा था, ये झंडा उसी गाड़ी पे लगा हुआ था, फलस्तीन का फ्लैग है, ये मेरी सारी गाड़ियों पे लगा हुआ है। ये लगा, मैंने फिर सोचा ये उनकी अकेली गाड़ी पे तो सबकी गाड़ी में शायद लगा हो। हाँ, किसी पे भी हो सकता, सही। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, फिर मैंने कहा, फिर आप जब उधर खड़े हुए मैंने कहा ये गाड़ी है। चलो जी भाई, थोड़ा हेल्प करें यार। सारे आओ, और आहिस्ता से रेस देंगे, चल पड़ेगा ये दे। चले आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाएगा, ठीक है? ब्रेक लगानी है, लेफ्ट वाली भी ब्रेक है, राइट वाली भी ब्रेक है, देख रहे? और यहाँ से मोड़ के इस पे चलाना सीखते हैं ताकि जो है गिरे भी तो छोड़ ना लगे। आए इधर आगे हैं, ठीक है? ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसको तेज करना है, पैर ऊपर करेंगे, करे 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 करे। आप छोड़ दें, मैं छोड़ो, ब्रेक लगाएं। हाँ सही है, देख के मेन पे ना जाए। टेढ़ा क्यों है ये? कि मुझे लग रहा है चढ़ा टेढ़ा रहा है वो एक तरफ को भी झुका हुआ है। दो तीन दफा गिरेगा सीखेगा, ऐसे नहीं सीखेगा लगता। हाँ जी, कुछ समझ आया? ये पीछे वाली ब्रेक है, पीछे निकाल के ले आना जरा। जानवी तो सफाई करके रखना है जी, गंदी चीज अच्छी नहीं लगती कभी भी, याद रखना। तो साफ करके, जैसे अभी आपको साफ करके दे रहा हूँ, क्योंकि खड़े खड़े गंदा हुआ था। अब ये ना कहना पुरानी चीज दी है, साफ सुथरी करके दे आपको देता है। सबसे चीज ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जब चलाना है ना इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपको पीछे आते ही ट्रैफिक नजर आ रही हो। इधर उधर बगैर देखे नहीं मुड़ना, जब भी कहीं जाना है इधर आए, मेरे पीछे आके बैठे। आपको इसके अंदर ना ट्रैफिक नजर आ रही होगी, जब भी आपने लेन चेंज करनी है आपने पीछे मुड़ के यूं नहीं देखना पूरा, आपने इसमें देखना है कि पीछे आपको लेन नजर आ रही है कि इधर से पीछे नजर आएगी। इसमें से पीछे आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगा कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, उस लिहाज से आपने उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है? इधर से भी जब लेफ्ट हो रहे होंगे तो उससे देखेंगे, एक चक्कर लगा के आए। ये स्पीडोमीटर है, इसमें स्पीड आ रही होगी, ठीक है? ये पैर ऊपर, पैर ऊपर रख लो, करें जी आओ। और हमेशा रोड के कॉर्नर पे चलाना है, बिल्कुल अंदर नहीं जाना रोड के, ये देखने बिल्कुल कॉर्नर पे। और यहाँ से जब अगर मैंने लेन रोक रहे हैं वापस मुड़ना है तो मैंने इसके अंदर देखना है पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। पीछे बहराम भाई नज़र आ रहे हैं इसमें आते हुए, अभी पीछे गाड़ियाँ आ रही है दोनों, देख रहे हो? अब जब मैंने मोड़नी है पहले रुकना है और पहले पीछे मुड़ के देखे, फिर इसको मोड़ा, दोनों तरफ की ट्रैफिक देखी और फिर गए, ठीक है? जिम्मेदारी के साथ जाना है, बगैर देखे नहीं जाना। और ये इसकी स्पीड आ रही है, मैक्सिमम स्पीड इसकी ये है। आपने कोशिश करनी कि आप आहिस्ता चलाएं, शुरू में बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलाएं। अब मैंने मोड़ना है तो पीछे देख रहा हूँ शीशे के अंदर, पीछे कोई गाड़ी नहीं है इसलिए मैंने मोड़ ली है, समझ रहे? अब इसका आपको चार्जिंग दिखाते हैं कि चार्जिंग कैसे होनी है। आओ जी, चार्जिंग का लगा के चेक करा दें कैसे होनी है। ये चार्जर पड़ा आगे स्टैंड पे लगाएं जी। चार्जर उस दिन आपने ढूंढा था रिजवान में, कहाँ था भला आपको, ताकि आए लगाना कैसे लगाना है। ये पकड़ो, इसको ऊपर करें, शू मैच करें, कैसे मैच, उल्टा उल्टा बेटा, उल्टा उल्टा, ये देखना इसकी शेप यूँ है। अभी इस पर लगा के पूरा चला गया, ठीक है जी? इसको यहाँ पे रख लिया, ये देखें, ये चार्जिंग शुरू होगी तो रेड आ गया जी। ये जब चार्ज हो रहा होगा रेड होगा, जब ये ग्रीन हो जाएगा समझे कि बाइक पूरी चार्ज हो गई है, ठीक है? ये लेगा 3 से 4 घंटे में तो पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है? अभी फुल ही है, अभी फुल है, ये आपको बैटरी शो कर रहा है ना पूरा। इसका क्या मतलब होता है? ये भी इसकी माइलेज देखो ना, 0 है इस टाइम। जब आप चला के आओगे जितने किलोमीटर चलाओगे उतने किलोमीटर शो करना शुरू कर देगा। अभी ये पार्किंग में है, पी लिखा रहा है, जब आप ब्रेक दबा के रेस देंगे तो अभी रेडी हो गया। जब रेडी लिखा है इसका मतलब चल पड़ेगा, रेडी का मतलब है चल पड़ेगा। जब पी लिखा है फिर रेस देंगे तो चलेगा, अभी रेडी है चल पड़ेगा। देखो ये देखो चल रहा है, देखा आगे चला गया। जब रेडी है इसका मतलब है चल पड़ेगा, समझ आई बात की?
अब इसको चार्जर को यहाँ से पहले बंद करना है, फिर उसके बाद वहाँ से अनप्लग कर दें, वहाँ से खींचे आ गया, इसको फिर वापस पैक करके इसमें रखा। ये इसका क्या मतलब है? ये इसका रिमोट है, इसे लॉक अनलॉक करेंगे, निकालें चाबी बाहर, आपको सिखाते हैं अभी। लॉक करें, अभी लॉक होगी, अब इसे कोई भी पंगा लेगा ये शोर डाल देगी, इसको खिलाने की कोशिश करेगा या कहीं करेगा ना तो ये शोर डाल देगी। ये इसकी बास्केट में वापस रख दिया, आपसे संभाला नहीं जाएगा, कोई भी इशू होगा मुझे आप बता देना, बेराम आप रख लें ताकि, और लिख लीजिएगा रिजवान की बाइक के अगर कुछ होगा इशू तो। बस हमने लॉक किया है, ये रखो, शोर डालना शुरू कर दिया उसने, आप अंदर बैठे कोई आवाज़ आए इसका मतलब कोई आपकी बाइक से पंगा ले रहा है, ठीक है। अब अनलॉक करें, अनलॉक दबाया, इस पर अनलॉक का बटन होगा, ये अनलॉक दबाएंगे तो ये शोर करना छोड़ देगी, ठीक है, समझ आइए। स्टैंड दो हैं, ये साइड वाला स्टैंड है, दूसरा स्टैंड ये वाला है, इससे करके यूँ स्टैंड पर खड़ी हो जाएगी, ठीक है जी। चलें जी फिर, अब आप चलाएंगे इसको घर तक ले जाएंगे, गियर तो नहीं जाएगा? नहीं, साथ साथ आता हूँ, ख्याल है पहली बारी तो साथ आना चाहिए। हाँ, चलो आ जाओ। पी का मतलब पी में नहीं चलेगी, रेस देंगे, रेस दें, ब्रेक दबाएंगे तो अब रेडी लिखा आ गया, अब चल पड़ेगी, ठीक है। अब चला के देखें, देख के देख के आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट पे ले जाए, पाँव ऊपर कर ले। सलाम अलैकुम भाई, कैसे, ठीक ठाक, आप नए खैरी से हैं? सलाम अलैकुम, कैसे, थैंक यू जी जी भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल है? चले जी रिजवान में फिर, अल्लाह हाफिज़, खैरियत से जाएं। और आपने जो है इसको ध्यान से चलाना है, ठीक है, चोट चोट नहीं लगवानी है, पता लगे लोग मुझे कह रहे हो कि चोट लगवा दी इसको। ये इसका चार्जर आ गया, ये इसका यूज़र मैनुअल आ गया, आए आप अंदर तक आप जाएँ ताकि फिर हम निकलें। चलें आप निकलें।